अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 पाप स्टडी इन इंग्लिश लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 इन पार्ट 2 वी विल रीड पॉइंट नंबर 1 टू 2 ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 एंड द टॉपिक इज सेम रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड सार्क कंट्रीज लुक एट द रिमेनिंग पॉइंट्स दिस इज द पॉइंट नंबर 1 ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पाकिस्तान और बांग्लादेश नंबर 1 पॉइंट पाकिस्तान रिकग्नाइज तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने तस्लीम किया बांग्लादेश को लाहौर में 1974 में लाहौर में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हैसियत को तस्लीम किया ऑन द ओकेजन ऑफ सेकंड इस्लामिक हेड कॉन्फ्रेंस कि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में नंबर 2 डिफरेंट अग्रीमेंट्स के मुख्तलिफ जो अग्रीमेंट्स मुआहदे वर्ड साइन उन पर दस्तखत किए गए इन जुलाई 1976 में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए ढाका के मुकाम पर बिटवीन टू कंट्रीज दोनों ममालिक के दरमियान फॉर इम्प्रूवमेंट बेहतरी के लिए इन द फील्ड ऑफ शिप बिल्डिंग के बहरी जहाज की तामीर के शोबों में बैंकिंग में और टेली कम्यूनिकेशन और टेली मवासलात में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मुआहदों पर दोनों ममालिक ने दस्तखत किए नंबर 3 पॉइंट द फर्स्ट मीटिंग कि पहली जो मीटिंग थी ऑफ हेड्स ऑफ साक के सरबराह की वॉज हेल्ड इनको मुनक़द किया गया 1985 में एंड सेवरल मीटिंग्स और कई जो मीटिंग थी ऑफ हेड्स ऑफ एंड सेवन्थ ईयर मीन और सातवीं जो मीटिंग जो थी ऑफ हेड्स ऑफ साक सर के सरबराह की इट वॉज हेल्ड इन 1993 में ढाका में मुनक़द किया गया द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश और ढाका क्या है इट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश का दारुल खिलाफा है एंड वी आर मैनी स्टेप्स जहाँ पर बहुत से इकदाम वो टेकन उठाए गए टू प्रमोट ट्रेड प्रमोट मीन तरक्की देने के लिए तजारत को तरक्की देने के लिए बहुत से इकदाम उठाए गए अमंग द साक कंट्रीज़ के साक के ममालिक के दरमियान इकदाम इनमें तरक्की देने के लिए तजारत में तरक्की देने के लिए बहुत से इकदाम उठाए गए नंबर 4 पॉइंट एन अग्रीमेंट एक मुआहदा इट वॉज साइंड इसको इस पर दस्तखत किए गए बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए 1993 में अकॉर्डिंग टू विच जिसके मुताबिक पाकिस्तान वुड प्रोवाइड पाकिस्तान जो है वो मुहैया करेगा 300 ट्रैक्टर्स टू बांग्लादेश इस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान 300 ट्रैक्टर बांग्लादेश को फ्राहम करेगा इन द फ्यूचर ईयर्स आने वाले सालों में नंबर 5 द 13 कॉन्फ्रेंस जो 13वीं कॉन्फ्रेंस थी ऑफ हेड्स ऑफ साक सार की 13वीं सरबराही जो कॉन्फ्रेंस थी इट वॉज हेल्ड इन ढाका ये ढाका में मुनक़द हुई 2005 में इन विच जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे और इनका नाम क्या था खालदा ज़िया शी वॉज इलेक्टेड वो मुंतखब हुई एज द प्रेसिडेंट सदर के तौर पर ऑफ द साक के सदर के तौर पर फॉर द नेक्स्ट ईयर अगले साल के लिए कि अगले साल के लिए साक के सदर के तौर पर बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर जो थी जिनका नाम था खालदा ज़िया वो साक के प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब हुई इन दिस मीटिंग इस मीटिंग में पाकिस्तान लेट सट्रेस जोर देता है ऑन रिजॉल्विंग हल करने में मैटर्स मामलात को ऑफ डिस्प्यूट झगड़े के एंड डिक्लेयर्ड और ऐलान किया डेट द सोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू के सोल्यूशन हल कश्मीर के मसले का हल इट वॉज अनडिनाइबल कि ये नागरेज है फॉर द रीजनल फ्यूचर एंड ग्रोथ के लिए के इलाकई मुस्तकबिल के लिए और तरक्की के लिए जो मसला है कश्मीर है ये नागरेज है पाकिस्तान एंड श्रीलंका नंबर 2 इज पाकिस्तान एंड श्रीलंका नंबर 1 श्रीलंका इज़ एन आइलैंड मीन जजीरा कि ये मुल्क जो है एक जजीरा है इट इज़ सराउंडेड बाय सी ये जजीरा क्यों क्योंकि ये समंदर से घिरा हुआ है दैट इज़ वाई इट इज़ आइलैंड इट इज़ सराउंडेड बाय सी ये समंदर से घिरा हुआ है फ्रॉम ऑल साइड तमाम अतराफ से इट्स मेन सोर्स और इसका जो अहम या बुनियादी जरिया इनकम इन जो इनकी आमदनी का जो जरिया है अहम इट इज़ फिशिंग ये है माही गिरी टी कोकोनट एंड द रबर इज़ इन प्लेंटी प्लेंटी मीन कसरत से है बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में इट एक्सपोर्ट करता है इन चीज़ों को एंड अर्न्स और कमाता है फॉरेन एक्सचेंज ज़रे मुबादला बैरूनी ज़रे मुबादला इसे कमाता है सिनहेल्स
एंड द तमिल पीपल जो थे दे वर इनहेबिटेंट एंड इन श्रीलंका, श्रीलंका में ये श्रीलंका के ये लोग बशिंदे हैं। एंड बोथ आर डिफरेंट, और दोनों जो हैं मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से। तमिल एंड सिनेल्स जो हैं लैंग्वेज आर स्पोकन, और श्रीलंका में कौन सी जुबानें बोली जाती है? तमिल एंड सिनेल्स जो है लैंग्वेज इट इज दिस आर स्पोकन इन श्रीलंका। द मेजर रिलीजन्स और इनके जो अहम मजाहब हैं हेयर, यहाँ पे श्रीलंका में जो अहम मजाहब हैं कौन कौन से हैं? बुद्धिज़्म है, यानी बुद्ध मत है, हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, और क्रिश्चियनिटी ईसाइत है। ये सारे मजाहब वहाँ पे पाए जाते हैं। नंबर टू, द सिक्स सार्क हेड कॉन्फ्रेंस, किस सार्क की छठी सरबराही जो कॉन्फ्रेंस हेड कॉन्फ्रेंस सरबराही कॉन्फ्रेंस इट वॉज हेल्ड इन 1991 में, इसको मुनाकिद किया गया कहाँ पे? कोलंबो में इसको मुनाकिद किया गया। एंड कोलंबो इट इज़ द कैपिटल, ये कैपिटल किसका है? दारुल खिलाफा किसका है? श्रीलंका का, ये श्रीलंका का दारुल खिलाफा है, और वहाँ पे छठी सरबराही साह की कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद किया गया। डिफरेंट प्रपोजल मीन तजावीज़, मुख्तलिफ जो तजावीज़ थी वर डिस्कस्ड, इस पर बहस की गई फॉर कंट्रोलिंग, काबू करने के लिए द ग्रोइंग ट्रेंड्स, बढ़ते हुए रुझानात को, ट्रेंड्स मीन रुझानात को ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी के, वायलेंस तशद्दुद के इन एशिया में, कि एशिया में दहशतगर्दी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात को कंट्रोल करने पर बहस की गई मुख्तलिफ तजावीज़ पर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म जिनका नाम था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, गेव आइडिया, उन्होंने ये आइडिया दिया फॉर एस्टेब्लिशिंग, कायम करने के लिए परमानेंट पीस, मुस्तकिल जो क्याम, अमन का क्याम जो था उसको लाने के लिए इन द रीजन, इलाके के इलाके में मुस्तकिल अमन को कायम करने के करने का जो आइडिया जो था, आइडिया जो था ये किसने दिया था? मोहम्मद नवाज शरीफ ने। द यूनाइटेड यूएन चार्टर्स रिस्ट्रिक्शंस, यूएन यूनाइटेड नेशन अक़वामे मुत्तहिदा का चार्टर कहते हैं मंशूर को, उसके मंशूर की जो रिस्ट्रिक्शंस जो पाबंदियाँ थी उसमें, एंड द स्टॉपिंग और रोकना द यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स, किस चीज़ को रोकना? द यूज़ इस्तेमाल को ऑफ एटॉमिक वेपन्स, एटमी हथियारों के इस्तेमाल को रोकना, और इस पर जो पाबंदी थी इट वॉज ऑल्सो डिस्कस, इसको भी क्या किया गया, उसको इस पर भी बहस की गई। द टेंथ साक हेड कॉन्फ्रेंस के दसवीं जो साक की सरबराही कॉन्फ्रेंस, यानी दसवीं जो साक की सरबराही कॉन्फ्रेंस थी इट वॉज हेल्ड इन 1998 में, इसको मुनाकिद किया गया इन कोलंबो, इसको कहाँ पे मुनाकिद किया गया? कोलंबो में। एंड व्हाट इज़ कोलंबो? इट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का कैपिटल दारुल खिलाफा है। इन विच द साक कंट्रीज, जिसमें साक के ममालिक ने सट्रेस्ट मीन जोर दिया फॉर इरेडिकेटिंग, ख़त्म करने में, इरेडिकेटिंग ख़त्म करने के लिए पॉवर्टी गुरबत को, एंड प्रमोटिंग और तरक्की देने में जॉइंट कोलैबोरेशन, मुश्तरक ताउन को तरक्की देने पर जोर दिया। 2010 पाकिस्तान में 2010 में पाकिस्तान और श्रीलंका ने साइंड दस्तखत किए एन अग्रीमेंट, एक माहदे पर ऑफ फ्री ट्रेड, आज़ाद तजारत के, इन विच जिसमें बोथ कंट्रीज, दोनों ममालिक वर एग्रीड, रजामंद थे टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए द म्यूचुअल ट्रेड वॉल्यूम, कि मुश्तरक जो तजारती हजम था उसको बढ़ाने के लिए इसमें दोनों ममालिक क्या थे? रजामंद थे। अब टू हियर वी विल रीड दैट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2।